सत्य गुरु जय चरण में है लगाए
सतगुरु दाता परम दयाला, सतगुरु दाता परम दयाला, कोई घट है नहीं खाली, कोई घट है नहीं खाली, सत्य गुरु जय महाराज ने प्रेमियों अथक प्रयास किया, हम सबको जोड़ा और हर प्रकार से दया मेहर बरसाई, आज भी बरसा रहे हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। प्रेमियों जो जिसका भक्त होता है भगवान वो उसी का होता है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता, भगवान को अपने सर्वदा हाजिर नाजिर मानने वाले ही भक्त की विजय होती है। देखो इस धरा का नियम है, आने जाने का सिलसिला तो बराबर लगा ही रहता है, पर प्रभु राम आए और गुप्तार घाट में चतुर्भुजी स्वरूप दिखा करके अपने निज धाम को गए। पर चौबीसों घंटे वो सर्वज्ञ हैं, हाजिर नाजिर है, कृष्ण भगवान आए और वो भी गोलोक को गए, लेकिन चौबीसों घंटे हाजिर नाजिर है। जो भक्त उनको मानता है अभी भी किदवंती है, सुनते हैं कि वृंदावन में शाम को जो कुछ रखा जाता है सुबह पान का बीड़ा खुदरा मिलता है, कुछ ना कुछ उसमें से माखन मिश्री खाई पी मिलती है। तो आए प्रेमियों, जब सच नहीं होता, प्रभु नहीं होता तो उसको मानता कौन? और जिसने अपने प्रभु सतगुरु को प्रभु भगवान ईश्वर परमात्मा मान लिया हो, सतनामी सतगुरु मान लिया हो, अगा लाखा मगाम अनामी महाप्रभु मान लिया हो, तो क्या कहीं उसको भूल सकता है? और ना ही उसका गुरु उसको वो भूलता है। चौबीसों घंटे दया मेहर बरसाता रहता है। ये एक ऐसी सुई होती है सतगुरु की जो शिष्य के सिर पर घूमती रहती है। सतगुरु का हाथ चौबीसों घंटे शिष्य के ऊपर रखा रहता है। हर प्रकार की दया मेहर सतगुरु बरसाते रहते हैं। और जो वो चाहता है कि हे मालिक दया करके इस चीज को बताइए, तो उसको आभास हो जाता है, मतलब अनुभव हो जाता है। जब गुरु चरणों में मन लगा रहता है, गुरु दया मेहर करता रहता है और शिष्य लगा रहता है, उस शिष्य से कितना भी कहो कि गुरु महाराज अब है नहीं चले गए, वो मानने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि गुरु महाराज ने कहा अंदर घाट पर मिलना और इसमें चूचा कुछ बोले तो मैं जो बोलूंगा वो तुम सुन सकती हो। अगर गुरु बोल रहा है, चूचा हो रहा है, अंदर में घंट घड़ियाल बज रहा है, सतगुरु के दर्शन हो रहा है, तो कौन भाई मान ले कह देगा कि जो है गुरु महाराज चले गए? वो तो कहेगा नहीं, उसके गुरु का दर्शन हो रहा है। जैसे हनुमान जी के यहाँ जो लोग जाते हैं, हनुमान जी दर्शन देते हैं और हर प्रकार से दया मेहर बरसाते हैं, तो क्या कोई कह सकता है कुछ उनके बारे में अनर्गल? लेकिन जिन प्रेमियों को अनुभव अनुभूति नहीं होती, दिखाई सुनाई नहीं पड़ता, दिव्य आँख नहीं खुली, तो वो कैसे देख लें कि हमारे प्रभु कहाँ हैं? और जब वो अंदर में देखेंगे तो घाट के ऊपर सतगुरु बैठा है, तो उस सतगुरु का जब दर्शन होगा तो उस सतगुरु से पूछेंगे हे मालिक क्या हुकुम है? ये थोड़े कह देंगे कि गुरु महाराज तो चले गए, ऐसा कुछ नहीं कहते। अरे प्रेमियों, कभी भी हमारे गुरु महाराज ने गुरु दादा महाराज के लिए नहीं कहा कि वो निधाम चले गए। वो हमेशा यही कहते थे, गुरु महाराज की
जो दया कृपा होगी वो आपको मिलेगा, वो आशीर्वाद दया दुआ आपको मिलेगी। हे प्रभु सदगुरु, हे स्वामी दाता, हे नामी, हर प्रकार से दया करता। और स्वामी जी महाराज अपने बलबूते पर अपने नाम की कमाई आप लोग को बांटते थे, उसी में से दया मेहर और दया दुआ बरकत देते थे। जिन्होंने 22-22 घंटे बैठ करके तपस्या की, उस तपस्या का रहस्य बहुत बड़ा है। अब तो देखना पड़ेगा कि बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, वो सत्संग तो रटा रटाया सुना देते हैं, पर क्या वो सुमरण ध्यान भजन करते हैं कि नहीं करते? प्रेमियों, जो सुमरण ध्यान भजन करता है, जिस सतगुरु से उसने नाम लिया है, वही सतगुरु उसकी मदद करता है और वही अनुभव करवाता है, वही घाट पर आता है, वही दर्शन देता है। और उसने नाम की कमाई की है तो उस नाम की कमाई के द्वारा वो पूरी चीजें देती है। अभी कहीं भी आप जाइए और उनकी समाधियां बनी हुई हैं, पर वहां पूछिए तो कहें साहब तो यही हर प्रकार से दया मेहर बरस रही, तो साहब कहाँ चले गए? साहब तो यही पुजारी दूसरे। तो प्रेमियों, देखो कितनी श्रद्धा भाव और किस तरह की जो है दया मेहर उस प्रभु के भाव में बरसी। किस तरह की, देखो किस भगवान से राधा रानी प्रेम करती थी, और राधा रानी और कृष्ण भगवान का बचपन से मेल था। राधा रानी की शादी तो अलग हुई थी, पर आपस में सामंजस्यता बराबर बनी हुई थी। आज राधा रानी और कृष्ण भगवान की जय जयकार होती है, उतनी माता रुक्मिणी की नहीं होती है। जितना मीरा का नाम है, उतना औरों का नाम नहीं है। तो है प्रेमियों, जो भगवान का भक्त होता है, देखो हनुमान जी का नाम तीनों लोक में है, वो भी राम जी के भक्त थे। तो तुम भक्त बनो, अपने भगवान को ऊपर रखो, तो भगवान तुमको और ऊपर करेगा और हर प्रकार से दया मेहर बरसाएगा, और हर प्रकार से वो समझाएगा और बताएगा। जिस तरह श्रद्धा भाव से फूलदास आए, मंगलदास आए, रेवती दास आए और ये सब आए, वहाँ फूलदास, मंगलदास, रेवती दास कहाँ? गोस्वामी जी के पास। कहाँ पर आए? चौरी चौरा से काशी में। जब काशी में आए तो उन्होंने क्या ठुकरा दिया, उन्होंने पूरा अनुभव करवाया। फूलदास को लगन लगी है, फूलदास को लगन लगी है, करू महांति कैसे, करू महांति कैसे, सतगुरु स्वामी हरि दर्शन हो, सतगुरु स्वामी हरि दर्शन हो, राम मिलन हो कैसे, राम मिलन हो कैसे। जो अब फूलदास रोज सोचा करते 60,000 चेलों के तो हम महंत हो गए और महंत हैं, पर कभी प्रभु का दर्शन हुआ ही नहीं। ऐसा कहीं है कि कोई मिल जाए जो प्रभु का दर्शन करवा दे और आत्मसात आत्मबोध करवा दे? ऐसा कोई व्यक्ति है तो धीरे धीरे से चर्चा गोस्वामी जी की फैल गई। वो
उस समय कोई मीडिया तो था नहीं, रेडियो वेडियो तो था नहीं, आने जाने वाले सत्संग सुनते थे और राम 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 की रामायण सुनते थे, उसी में मस्त हो जाते थे। और मस्त हो जाते तो कहते भाई काशी में वो महाराज जी हैं, उनका ये नाम है और वो बहुत ऊंचा सत्संग सुनाते हैं, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ऊंचे। तो बहुत ऊंचे को वो बता करके कि वो हरि दर्शन भी करवाते हैं और राम नाम भी बताते हैं, गुरु मंत्र भी देते हैं, ऐसा ऐसी चर्चा थी। तो बादशाहों का जमाना था, कोई प्रजातंत्र तो था नहीं कि गाड़ी उठाया चले गए, और तब लोग तौलते थे, बिना तौले किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं लगती थी। जब तौल लेते थे तब लोग जाते थे। और आजकल तो कोई तोल मोल होता नहीं, आजकल तो गए कहा दया दुआ मिल जाएगी। मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं करता, मैं तो साफ साफ बताता हूँ तब तोल आ जाता था, क्योंकि गोस्वामी जी को अकबर बादशाह ने भी तोला, परीक्षा ली। तो गोस्वामी जी ने परीक्षा दी, तब से अकबर नतमस्तक हो गया। तो जितने भी संत सदगुरु आए उनकी परीक्षा हुई, बिना परीक्षा के कोई काम मना नहीं। तो इधर हृदय तो थे ही, अब फूलदास पहुंचे, रेवतीदास और मंगलदास ये सब वहां पहुंचे थे, पर फूलदास के जो नीचे वाले थे वो थोड़ा गुस्सहील और झगड़ेलू प्रवृत्त के थे। तो वो रोज उन्होंने जब चर्चा सुनी तो चौरी चौरा से चल पड़े, और चौरी चौरा से आकर के गोस्वामी जी के चरणों में श्रद्धा भाव से पुष्प चढ़ाया और नतमस्तक हो गए। कहा प्रभु 60,000 है चेला भारी, 60,000 है चेला भारी, होई महान तीर हो जय जारी, होई महान तीर हो जय जारी, मन या कला आगे पीछे लोग चलते थे, और इतने लोग पालकी में बिठा करके लेके चलते थे कि बहुत बड़े महंत जी आ रहे हैं। अरे भाई संत सदगुरु तो सबसे बड़ा होता है, अब आए हैं गोस्वामी जी के पास, रामायण के प्रणेता रचयिता के पास, अब रचयिता के पास आए हैं, उससे विनय प्रार्थना कर रहे हैं और तमाम प्रकार की वंदना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हे प्रभु हम 60,000 चेलों के शिष्य तो हैं, पर कुछ अनुभव अनुभूति तो होती नहीं, न राम जी का दर्शन हो, और जो आप बताते हैं कि कीर्तन मंगल होता है, घंटा शंख और ये सब सुनाई पड़ता है, तो सब कुछ देखा नहीं और कुछ मालूम नहीं। साहब की गद्दी है, साहब की गद्दी पर बैठे हुए हैं और साहब की गद्दी चल रही है, साहब 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 कर रहे हैं। तो कहा भाई देखो, जब साहब वहां थे तब तो आप थे नहीं, अब साहब की गद्दी पर साहब साहब कर रहे हो, और साहब ने बताया है नाम संतों के अधीन है, तो तब साहब नाम था, अब राम नाम जगा है,
अब राम नाम से काम होगा, उस नाम से काम नहीं होगा, राम नाम से काम होगा, राम नाम से काम होगा। और तुम बैठो अंदर में, मैं तुम्हें नाम बताए देता हूँ, भेद बताए देता हूँ, रास्ता बताए देता हूँ, और देखो तुम्हें चढ़ाए भी देता हूँ। अब 60,000 के महान घ्यू फूड़ी तो खाए हुए होंगे, तमाम दक्षिणा लिए होंगे, और फिर क्या अनुभव होता रहा होगा, कितना कर्म लगा रहा होगा, तो उसको तो गुरु महाराज ही जाने, हम क्या बता सकते हैं। उस कर्म को हटाया और नाम दात दी, निज अनुभव करवावे स्वामी, निज अनुभव करवावे स्वामी, घटपट खोलत है गोस्वामी, घटपट खोलत है गोस्वामी। गोस्वामी जी ने नाम दान दे दिया, अंदर में बिठा दिया, बैठना बता दिया, किस तरह सुमरन, किस तरह ध्यान, किस तरह भजन, और अनुभव भी करवा दिया। अब अनुभव हो गया, सुमरन ध्यान भजन का रास्ता मिल गया, तो सुमरन ध्यान भजन करने लगे। अब सुमरन ध्यान भजन करने लगे तो उनके जो चेले चपाटे थे, मेरे भी गुरु महाराज के चेले चपाटे और मेरे गुरु महाराज के भी चेले चपाटे, कहते स्वामी महाराज इधर नहीं, इधर चलना, इधर नहीं, इधर चलना। और जब स्वामी महाराज की बात नहीं मानते थे, जब अनहोनी होती थी, तो कहते गुरु महाराज अब हम क्या करें, सवालना गुरु महाराज को पड़ता था। ये मैंने चित्रकूट में सन 2003 में काफला निकला था, तब मैंने देखा था और सुना था कि गुरु महाराज आश्रम जाना चाहते थे कि चलो आश्रम, पर कुछ लोग ने इलाहाबाद ले गए, इलाहाबाद ले गए, और जब इलाहाबाद ले गए और नहीं माने, इलाहाबाद चले गए भाई, गए मजबूरी में। अब ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा, जिधर उधर ही जाना पड़ेगा। अभी हम ही को कोई हमारे साथी झोला झटका लिए, कह रहे नहीं इस रास्ते से नहीं, इस वाले से चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नाम भी जानते हैं किसने ऐसा किया था। तो अब वहाँ गए तो जो गुरु महाराज दादा महाराज के लड़के थे पंडित जी महाराज, उनका शरीर छूट गया। उस तरह जब गुरु महाराज आश्रम जा रहे थे तो एक ही दिन में आश्रम पहुँच जाते चित्रकूट से, और जब चित्रकूट से आश्रम पहुँच जाते तो शरीर उनका आश्रम पर छूटता। अब शरीर यहाँ छूट गया तो यही अंतिम संस्कार हुआ। तब स्वामी जी महाराज गए तो प्रेमियों, स्वामी क्या चाहता है, आप क्या चाहते हो, ये अलग अलग की बात है। तो फूलदास ने अंदर में अनुभव किया, जब अंदर में अनुभव कर लिया तो उनकी समझ में आ गया कि यह अंतिम अंतिम बिल्कुल बेकार चीज है, यहाँ खाएंगे पिएंगे इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लक चौरासी में जाना पड़ेगा, ऐसा उनके अंदर आत्मा में बात बैठ गई। और जब अंदर आत्मा में बात बैठ गई तो उन्होंने कहा अब हम यहीं रहेंगे, इन्हीं के चरणों में रहेंगे, इन्हीं के पास रहेंगे, और अब हम लौट करके चौरी चौरा नहीं जाएंगे, ये पक्का कर लिया। और उधर रेवती दास और जो मंगलदास है, तो रेवती दास रोज लकड़ी कोच रहा, गुरु महाराज चलो, तो कह रहे बिहान ही चलेंगे। बिहान होता जब दूसरा दिन, गुरु महाराज चलो यहाँ क्या कर रहे हो, नमक रोटी मिल रही, हलवा पूरी खाते थे, बढ़िया घी रोटी खाते थे, और आप यहाँ नमक रोटी में पड़े हुए हैं, और यहाँ क्या मिल रहा आपको। कहा देख भाई तुझको जाना है तो चले जा, ये ले सेली और टोपी, थैली और टोपी, आज से तू महान, हम अब वहां नहीं आएंगे, हम नमकई रोटी खाएंगे। अब वो चला, अब क्या गाएं बार बार, नहीं तो कहेंगे गायें पढ़ लेते होंगे, गाते रहते होंगे। तो वो वहां से चले, पालकी में बैठ करके कुछ दूर चले,
सोचा ऐसी कौन सी दौलत है जो इनको मिल गई, हीरा मोती जवाहरात जो 60,000 चेलों की महंती छोड़ दी, बड़े सस्ते में हमको महंत बना दिया। कुछ तो भारी चीज मिली है महंत से, बड़ी महंती मिली है, कोई भारी सामान मिला है, और इसलिए जो है इन्होंने महंती छोड़ दी। बस उसके दिमाग में आया कि गुरु तो हमारे ही हैं, हमने उनको गुरु बना रखा है, 60,000 किलो में हम भी चेला हैं और वो हमारे महंत हैं। अब अगर भारी चीज मिली होगी तो चलते हैं उन्हीं की सेवा करते हैं, वो भारी चीज हमको मिल जाएगी, वो भारी चीज हमको मिल जाएगी। बस उसने ठहरी टोपी उतारी और मंगलदास को, अब मंगलदास जब ठहरी टोपी रखा तो कहा जब कोई नहीं वहां जाएगा तो आश्रम वीरान हो जाएगा, चेला चपाटे इधर उधर हो जाएंगे। ऐसे प्रेमियों कुछ जो गुरु थे हमने अपनी आंखों से भी देख रखा है कि उन्होंने बड़ा अथक प्रयास करके रामायण गीता सुना करके पूरी रामायण उनको कंठस्थ, वो किताब नहीं खोलते थे, अपने आप बोलते थे ये कांडो वो कांडो इसमें यहाँ यहाँ वहाँ। और त्रिकालदर्शी थे, उनके चले जाने के बाद बुढ़िया पुराण भी उनको सुनाना नहीं आता बेचारे के लिए, क्या करें। लेकिन अब गुरु महाराज थे तो अब हम वहाँ हैं तो हम भी वहाँ जाएंगे। अब क्या करें, यहाँ जाते उधर जाते उधर जाते ही नकार रहता। अब वो तो चले गए, अभी आया, जब ये आए और फिर जो है उनके पास तो कहा फिर तुम लौट आए, कहा नहीं मैंने महंत बना दिया, अब हम आए हैं इसलिए मेरी बात को अच्छी तरह से झगड़े लू तो था ही सुन लू, अच्छी तरह से मेरी बात को सुन लू, जो कुछ माल खजाना तुमको मिला है वो हमको भी दिलवाइए, वरना हम जाने वाले हैं नहीं, तुमको क्या मिला वो हमको भी दिलवाइए। तो कहा ठीक है, अच्छी बात है, जब ये चाहती हो तो सदगुरु स्वामी जी महाराज सामने हैं, श्रद्धा भाव से जाकर के उनके चरणों में गिर जाओ और कहो कि जो कुछ हमारे महाराज को दिया वो हमको भी दे दो। तो कहा अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाते हैं। गया चरणों को पकड़ लिया, झूठे रोने लगा, अब वो तो जान ही रहे हैं, अरे बच्चा कुछ दिन सेवा करो उसके बाद देखते हैं। अब जब कुछ दिन सेवा की और रोज वो अनुभव उनको बताते गोस्वामी जी को, अपना अनुभव समझाते और जो लोग और आते वो भी अनुभव बताते कि हे महाराज जी आपकी दया कृपा से मैंने ये देखा। जैसे गुरु महाराज को लोग चिट्ठी लिख करके भेजते थे कि मालिक मैंने ये देखा, तो अगल बगल वाले झटक लेते थे, उसको छाप देते थे और छाप देते थे तो आप लोगों का भला हो जाता था। पर अब तो छापना ही बंद है, छापा खाना किसी दूसरे के कब्जे में चला गया है और वहाँ से कुछ छपता ही नहीं, छपे कहाँ से जब ऊपर से कुछ आता ही नहीं। जब आदेश हो सुनामी का, ये जो बैठे हुए हैं अभी आपने देखा बैठे हुए हैं, सुबह कितनी मस्त पगड़ी लगाए हुए थे और लोग जो है नाच गा रहे थे, आनंद में जा रहे थे, तो इन्हें भी आनंद आता है। और जो सोचते हैं कि चले गए सरकार अब डर काहेगा, तो वहाँ सरकार तो चले गए ही हैं, क्या किया जाए। तो प्रेमियों इनका उल्टा डंडा डबरू भी बजता है, इनका उल्टा डंडा भी पड़ता है। मैंने दो चार टन्नी खाई है एक दो बार, जब मथुरा में गुरु महाराज थे तब हमने दो चार टन्नियाँ खाई हैं, पर मथुरा आश्रम में नहीं, मैं कोई सेवा वादा नहीं था, नहीं सोच लो कि वहाँ दो चार टन्नी मारी होगी, कुछ चोरी चारा किया होगा। यहाँ थे जब सुमरण ध्यान भजन में चूक हो जाती थी या कोई गड़बड़ी कर बैठते थे, अब क्या करें, दिन गरीबी में कुछ ना कुछ तो चलते ही रहता था, तो दो चार टन्नी पड़ जाती थी। बहुत से अनुभव हैं पुराने, जब सन 1970
97 का कार्यक्रम 98 का 97 का नियम सारण में था, 97-98 में। अब पूरा संत से ही आप ही लोगों को करना पड़ेगा, ज्यादा दिन हो गया तो या दांत भी गड़बड़ हो जाती है। 97 में था या 98 में था, फर था इन्हीं दो सनों में। तो उससे पहले कार्यक्रम अति महामानव कुंभ का था त्रिवेणी संगम पर। तो त्रिवेणी संगम में अति महामानव कुंभ का कुंभ था। अभी कोई घोषणा गुरु पूर्णिमा की नहीं हुई। मैं वहां से जैसे लौट के आया, तीसरे दिन हमें पता चला कि देव देवेश्वर मंदिर गोमती नदी के किनारे नैमी सारणमी कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का होगा, हमें बताया गया। हमारे बहुत बुजुर्ग ताड़धारी जिला बाराबंकी से आया करते थे, जब बाराबंकी के वो अध्यक्ष भी थे, और जब वो आए तो उनसे पूछा कि गुरु महाराज ने बताया है अब की बार गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम गोमती नदी के किनारे होगा, तो कहाँ से आदेश आया, क्या बताया गुरु महाराज ने, घोषणा उछड़ा कुछ नहीं है। अब वो नजर दौड़ा रहे हैं यहाँ से लेकर के मारकंडे, मारकंडे से झारखंडी, हमने और आगे कुछ बोला नहीं, गोमती नदी की बात हुई। और उनकी कुछ समझ में कहा, बेटा हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता, हम कहा हम तो तुमसे ज्यादा बेकूल, हमारी समझ में तो और ही ज्यादा नहीं आता। तो अब जब कार्यक्रम की घोषणा हुई, लोग जाने लगे, तो हम तो भैया जो है माया के चक्कर में वहाँ पहुँचे गए, और जब पहुँचे नहीं तो बीमार हो गए। अरे फिर काफ़ी बीमार रहे, 15-20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, अच्छा बीमारी पकड़ी, बुखार। तो भैया एक बात समझ लेना, गुरु का आदेश हो और दिखा दे तो वहाँ पहुँचना जरूरी होता है, चाहे घर छूट जाए या परिवार छूट जाए, इसलिए अभी दिखा दे तो हम अभी चलते हैं। और वो जानते हैं कि अभी जैसे बताएंगे फौरन चल देगा, तो अब चल देते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से, बड़े चालाक हैं गुरु महाराज, बड़ी सावधानी से बात करते हैं और बड़ी जो है शालीनता से बता देते हैं, ऐसे नहीं ऐसे आए। हम भी गोल गोल गोली अपना लेकर के घूमते रहते हैं, क्या करें, सदगुरु तो हमारे हैं ही, तो हम अपने सदगुरु की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। आज आओ कल आओ, गए चित्रकूट, चित्रकूट में अंदर में पता चला गुरु महाराज चित्रकूट में है, चले गए चित्रकूट, और चित्रकूट में धर्मशाले में आराम से साधना करने लगे। जैसे गए और साधना में लेटे, थोड़ा तंदराई, तंदरा में देख रहे गुरु महाराज बीमार है, सब अट्टी पट्टी लगी है। तो कहा, बच्चू जो आप लोगों का खाया है वही कर्म कर जा, निकल रहा तो उनका गुरु महाराज आप जहाँ हो बताइए, हम आकर के अभी जो है दवा पानी कराते हैं और हर प्रकार से सेवा करते हैं, आपको ले चलते हैं, गाड़ी मोटर सब ले करके आए हैं। तो कहा, अच्छा बच्चा पानी पिला दो। अब अंदर में पानी पिलाया, पानी किस तरह पिलाया, टंकी जो होती है, टंकी पानी की टंकी, उसी का पाइप निकला है, पानी की टंकी सामने खड़ी है, उसी का पाइप निकला, उससे फुहारा निकला, हम दीदी से भर भर ऐसे पिला रहे पानी, तब तक रील गई कट। अब हम बारंबार पूछ रहे, वो बताने के लिए नहीं तैयार, और जब वो बताने के लिए नहीं तैयार तो हमको और जो है की जावे कि अभी तो बताया कि हम बीमार हैं और यही हैं, और आप बता नहीं रहे कि हम कहाँ हैं, अब हम परेशान, और लोग सुनेंगे तो कहेंगे बस सब काल का दाम है। अरे हमने दयाल को बहुत अच्छी तरह से समझा और देखा और सुना, आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा, हर प्रकार के दर्शन गुरु महाराज देते थे। तो गुरु महाराज जब सर्वज्ञ हैं तो दर्शन प्रसन्न तो होते ही रहेगा, और किस तरह से हैं, कहाँ हैं, क्या है क्या नहीं, वो तो बताते रहेंगे। तो उधर हृदय के गुरु महाराज अब फूलदास को बता दिया,
और रेवती दास कह रहे हैं भारी हीरा मिला है, कोई मोटा माल मिला है, चलो नमकई रोटी खाए जाओ, कोई बात नहीं। अब नमकई रोटी की चक्कर में वो बैठे हैं, तो अब कई दिन बीत गया, सबके सुन रहे हैं कि कोई वगैरह राम का दर्शन हुआ। अरे बाप रे बाप, राम का दर्शन हुआ? राम तो कितने दिन हो गए, अयोध्या गए नहीं, बिना अयोध्या जाए कैसे दर्शन होगा, और मंदिर में किसी में गए नहीं, और कह रहा भोलेनाथ का दर्शन, साक्षात बात कर रहे थे। आप सुन रहे कि भोलेनाथ का भी दर्शन हो गया, अब सुन रहे भोलेनाथ का दर्शन हो गया, कोई कह रहा अरे हमने तो वो चीज देखी, ये चीज देखी, अब उसको सुन सुन कर उसकी खोपड़ी ठंडी हो रही। अब एक दिन जब बीता छठ दिन, तो कह रहा है हे गुरु महाराज, हमारे गुरु के गुरु, आप दया कर दो, हमें भी राम जी का दर्शन करवा दो। तो कहा अच्छा बच्चा, दर्शन करना चाहते हो? कहा हाँ। तो आंख बंद करवाई और नाम बताया, सारा स्मरण ध्यान भजन बताया। अब तो मन मोटे से महीन हो ही गया था, बैठा, जब अनुभव हुआ घंटा शंख बजा, टन टना टन, घन घना घन, तो उसे आनंद आया। प्रेमियों, अभी आपको बताते हैं कि यही कोई सन 2001 और 2 की बात है। वैसे गुरु महाराज ने तो सन 1999 में ही सब कुछ दिखाया था, जब करियोल का युद्ध था, तो हमने पांचों धाम गुरु महाराज की दया कृपा से देखा, गुरु महाराज ने दिखाया, लेकिन वो स्वप्न में था, स्वप्न में, तंद्रा में, जागृत अवस्था में नहीं था। करगिल युद्ध के पहले दिल्ली में थे तो देखा, और तभी कुछ ऐसी बातें कही जो हमको लग गई। जब सन 2001 और 2 के बीच जाड़े के मौसम में साधना कर रहे थे, और साधना करते करते सब कुछ सुन्न हो गया, जब सांस बंद हो गई और आवाज आई कि तुम मर नहीं जा रहे हो, उनका उसी के लिए काम किया है, तो सूरत जीवात्मा तुरंत रिंग बनाती हुई ऐसे ऐसे और बाहर निकल गई। जब बाहर निकल गई तो जो बताते हैं मुंदे उन्हें त्रिशतमय भयो पुंजितवत को सर सामने ज्योति स्वरूप प्रभु राम, उनके दर्शन में उन्होंने रास्ता दे दिया। आगे नीला गगन और तारे, और वो बाई तरफ उड़ते हुए अपने कमल पर चले गए। उसके तीसरे दिन, पहले नहीं सुना ही पड़ता, तीसरे दिन जब कान में उंगली लगाया और देखना घोर घन 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 हुआ कोलाहल, कान से उंगली निकाल करके अब रात में चारपाई के नीचे देखे, छत पे चढ़ के जाए कि कहां गांव में हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। दोबारा फिर उंगली लगाई, फिर वही हाल, फिर कान से उंगली निकाल करके देखना शुरू किया। जब दोबारा देखा, फिर उंगली लगाई, फिर सुनाई पड़ा, तो बैठे रहे थोड़ी देर, बैठे रहे। जब बैठे रहे तो धीरे से वो शब्द किस तरह उतर करके किधर किधर जाता है, वो सब पता चला, और सब पता चला तो ये भी पता चल गया कि गुरु महाराज ने जो कहा है शब्द सुनाई देगा, मंगल कीर्तन और मंगल बाजी बजेंगे। हम कहा गुरु महाराज ने जो कहा वही बज रहा है, अब ये बज रहा है, उसको सुनने की कोशिश करो। रोज लगे रहते, किसी को भनक नहीं लगी, किसी से बताया नहीं था, उस समय चुपचाप अपने काम से लगे रहते और अपना काम करते रहते। प्रेमियों, उसी तरह अब क्योंकि गुरु महाराज तो यहाँ बड़ेला में थे नहीं बैठे, तो गुरु महाराज को बताते हो चिट्ठी पत्री हमने लिखा नहीं कि हमने ये देखा है, और हम जब चिट्ठी पत्री लिख भी देते तो क्या करते, चली जाती चिट्ठी, कोई बात नहीं थी।
फिर हमने सोचा चिट्ठी पत्री क्या लिखे, डेली डायरी लिखो, डायरी लिख करके रखा था कोई प्रेमी, डायरी लेकर के अब गायब हो गया है, कहाँ ले गया कुछ पता नहीं। वो डायरी पढ़ते बनने वाले बहुत आए बड़े डायरी, मेरे कई रजिस्टर जिस पे गुरु महाराज के बताए हुए अनुभव और पोस्ट लिख कर रखे थी वो भी मेरे रजिस्टर 9-2-11 हो गए। अरे ऐसे कहीं ताला कुंजी तो लगाते नहीं, इसी तरह रखते। तो प्रेमियों ये चीजें हैं, तो जो सत्सुरु होता है नाम जागृत करता है, नाम देता है तो वो कुछ लिखवाता है और बताता है। इसलिए यहाँ धाम बड़ेला में गुरु महाराज ने घट रामायण लिखवाई। क्या लिखवाई? पूरा सार भेद लिखवा दिया छोटे से, बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, एकदम छोटे में सारी रामायण लिखवाई। बढ़ेगा 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, वैसे इतने में काम खत्म समझो, सुंदर काम लिखवा दिया। उसको हमने लिख लिया और वो कई प्रेमियों और गुरु बहनों के सामने बैठ करके हमने लिखा और गुरु महाराज ने लिखवाया। तो अगर वो गुरु महाराज बोलते नहीं तो क्या हम अपने मन से लिख करके लाए, या किसी किताब से मिला लो, या जो प्रार्थनाएं अंदर में आती हैं गुरु महाराज की दया कृपा से जो आवाजें आती हैं मैं बोलता हूँ उसको कहीं ढूंढ लो, शायद तुमको मिल जाए। और या तुम भी बोलना शुरू कर दो उसी तरह सन 2013 से 13-14 से, तो अब तक हम बोलते चले आ रहे हैं। आप उन प्रार्थनाओं को छाटो और ग्रंथों को छाटो, देखो कहाँ मिल रही है, कहाँ लिखी है, किधर की हैं और किस देश से आती हैं। और कहते हो काल का है, अरे काल भगवान किस तरह से? अब काल भगवान का ही सुन लो, जब प्रभु राम भगवान आए और राम भगवान इस तरह धर्य धाम पर थे तो उनको लेने काल भगवान आए। अब जब काल भगवान आए तो राम भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु रहना चाहो तभी और रह सकते, पर आपका समय हो गया, अपने धाम को चलो, अपने धाम चलो। काल भगवान कहकर के चले गए, अब जाने का कारण भी बन गया उनका। आप बताओ ये राम भगवान अयोध्या वाले जिनको काल भगवान कहने आए कि आप चलो, रामायण में देख लेना दिखाया है और लिखा भी है रामायण में, तो ये तो हो गए 2 राम, काल भगवान और राम भगवान। अब काल भगवान किसको मानते हैं, राम भगवान किसको मानते हैं? राम भगवान का संदेह है तो काल भगवान का क्या मतलब है, क्या मतलब है? और अगर वो निरंजन पुरुष करतार ज्योति स्वरूप दर्शन दे रहे तो उसका क्या मतलब, जरा उसका संस्करण निकालो कि किस भगवान को तुम मानते हो और काल काल कहते हो, किसको काल कहते हो? काल को ही काल कहते हो कि जो काल नहीं है उसे ही काल, उसको भी काल कहते हो, और इसमें कौन काल नहीं है? तो सब कुछ समझना पड़ेगा, बिना समझे बूझे किसी के ऊपर दोष लगाना अच्छी बात नहीं है। साधना करो सच्चाई से, चढ़ाई करो और हर बात की जानकारी करो, एक एक रेसा रेसा एक एक तिल देखो। अगर ऐसा होता तो तुम्हें भी मालूम होता कि किस सन किस तारीख को सतयुग जी महाराज इस धराधाम पर उतर करके आए और कहाँ आए और आने के बाद कहाँ गए और अब क्या काम हो रहा है उनका, तुमको उनका आदेश निर्देश मालूम होता। लेकिन जब आपको जब कुछ हो तब तो आपको आदेश निर्देश मालूम होगा, उस तरह से संगत का दिशा निर्देशन करेंगे। हमने तो अब चुप्पी साध रखी, मल्लाही में बात करते हैं, अल्लाही बात मल्लाही में करते हैं, ये यहाँ की भाषा है, अल्लाही बात मल्लाही में। तो प्रेमियों ऐसी चीजें होती हैं, तो निज अनुभव कहते हैं, निज अनुभव मैं कहूं खगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। बिना हरि के भजन के कुछ कटने वाला नहीं,
बोलो प्रेमियों, मैं किसी की निंदा आलोचना कर रहा हूँ जो सुना रहा हूँ, तो जो मुझको अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है या जो कुछ होता है वही मैं सुनाता हूँ, निज अनुभव, किसी दूसरे का नहीं। और जिसको निज अनुभव हुआ हो वो बताएगा स्वर्ग में कैसा, वैकुंठ में कैसा, शिवपुरी में कैसा, ब्रह्मपुरी में कैसा, राम के दरबार में कैसा, फिर विराट स्वरूप कैसा। अभी तो हमने दो ही राम बताए, भी तीसरे राम की बात नहीं की जो त्रिलोक में ही है। आप किस राम को काल कहते और कैसे कहते? काल तो काल है। और फिर वो राम को लेने आए, राम से कहने आए काल भगवान कि चलो अपने धाम, उन्हें ले तो नहीं गए, अपने धाम चलो। प्रभु हाथ जोड़ करके कहा। अब इधर का देखो कि कहते हैं ब्रह्मा जी लिखते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शंकर जी संहार करते, कहीं शंकर जी संहार करने जाते हैं, किसी को मारने जाते हैं तो भी गड़बड़ ही है। अभी गड़बड़ ही है कि नहीं, अखंड समाधि लगाए रहते हैं और भोलेनाथ जब तब आते रहते हैं, उनको सामने भोलेनाथ ही विराजमान है। अभी आप बताओ कि जब ऐसा लिखा है तो ये धर्मराज, धर्मराज और जमराज क्या है? ये जमराज जी क्यों लेने आते हैं? तो शंकर भगवान संकार करता हूं ही लेने आते हैं। बोलो, तो ये धमा चौकड़ी में जो फंसा फंसावा है, जो फंसा फंसाना है, इस फंसा फंसाना को संतों से समझना पड़ेगा, साधकों से समझना पड़ेगा, वरना आप आओ और जाओ, हलवा पूरी खाओ, सब जगह भंडारे चल रहे हैं। और भंडारा, मैं भंडारे का कोई विरोध नहीं करता, भंडारा तो संतों के यहाँ रोज होता, किसी भी तेरे दिन तुम नियुक्त कर दो और इस तरह तो रोज भंडारा चलता है। मेरे गुरु महाराज के दरबार में रोज भंडारा चलता है और तमाम संसद गुरु हैं सबके दरबार में भंडारा रोज चलता है। चलता है कि नहीं चलता? चलता है। पर किसी संत की तेरह ही नहीं मनाई जाती, उसका भंडारे होता है और भंडारा बराबर होता है। और मैं किसी का विरोध नहीं करता, आप रोज मनाओ, रोज मनाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो प्रेमियों, प्रसाद ले लो भाई तब जाना। तो प्रेमियों, ऐसी तो इनको प्रसाद दे दिया, आम आम रखे हैं, आम डाल करके के दे दो, जो जाने वाले हैं वो अपना चले जाए। तो प्रेमियों, अनुभव किस तरह का? कलयुग जी महाराज, सतयुग जी महाराज, द्वापर जी महाराज, त्रेता जी महाराज किस धाम से आते हैं, कहाँ से लागू होते हैं और कैसे उतर करके आते हैं, किसका आदेश होता है, तब वो इस धाम पर इस जो है नृत्य लोक में आते हैं और यहाँ लागू होते हैं। किस जगह से आते हैं? जब साधना करोगे, ऊपर जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि किस धाम से आते। बस ये इतना समय बीता वो लग गए, कहाँ से लग गए। और ऊपर जाओगे ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल के देश, तब तो कुछ बताओगे कि यहाँ ऐसा है, गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने तो बहुत कुछ कहा, तो जो गुरु महाराज ने अर्थात सत्य कहा उस अटल सत्य पर चलो, गुरु महाराज का हुक्म मानो, गुरु महाराज की सेवा करो, गुरु महाराज की दया मेहर में रहो, खूब खाओ फूलो फलो, सेवा की है तो सेवा का फल ले लो। कौन कहता है कि सेवा का फल मत लो? तो सेवा का फल तो ले लो, पर सदा भाव से अपने राम को तो पूजो, उस प्रभु की वंदना तो करो जिसकी दया मेहर से तुमको कुछ मिला, जिसकी दया मेहर से तुम्हें मिला हुआ है उसकी दया मेहर का 24 घड़े गुणगान करो।
और उस प्रभु का नाम भजन करो, और उस प्रभु का नाम भजन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। भजलो सतगुरु नाम ही प्यारे, भजलो सतगुरु नाम ही प्यारे, रहना उनके सहारे है, रहना उनके सहारे है। घट में चम 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 के तारे, घट में चम 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 के तारे, करते गुरुदेव भगवान की, सत्य गुरु जय गुरुदेव।